रात के 1 बजे रेलवे स्टेशन, देखते हैं पहले ट्रेन है कि नहीं। प्लेटफॉर्म टिकट ये कुछ ऐसे है रेलवे स्टेशन। ओके गाइस, अभी रात के 12 बज रहे हैं, थोड़ा रेलवे स्टेशन छोड़ के घर में बता के नहीं जा रहा हूँ। मेरी माँ सो रही है घर में, तो बिना बताए नहीं करूँ, वो बता दूँ जाने नहीं देगी, और दोस्त का मदद नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। शार्क से हम लोग रात 12 बजे। वेलकम बैक टू चैनल वन, आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। रात के 1 बजे रेलवे स्टेशन, बड़ा दिक्कत है यार। देखते हैं पहले ट्रेन है कि नहीं, जाएगा कि नहीं। तो गाइस ये बजाज नगर का रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म टिकट मेरा भी आ गया। ये कुछ ऐसे है रेलवे स्टेशन, खाली खाली ये है मालगाड़ी। एक जमाने के और रेलवे स्टेशन आया हूँ। ठीक गाइस, रात काफ़ी हो चुका है, 1 बज चुका है, तो पहले मैं सीधा निकलता हूँ और घर जाके ब्लॉग बनाऊंगा भाई। घर आके कपड़े बदल लिया, गाड़ी भी अंदर कर दिया, वो आ जाएगा तब जाके गाड़ी लेगा, और ऐसे ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बाकी का किस्सा कल बताता हूँ कि क्या क्या हुआ, अभी के लिए गुड नाइट। रात तो घूमते वक्त मतलब आते वक्त बहुत लंबा ब्लॉग बनाया था, बट वो कुछ शूट नहीं हो पाया। मतलब मुझे पता नहीं चला, मुझे कि शूट हो रहा है, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, पता चला कि शूट हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। क्लियर केस। गया था फ़ोन रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज खत्म हो चुका था कल रात को, उन आना जाना करने में बहुत दिक्कत हुआ था। आई नो कि आप लोग हेयर वॉश करने के बाद हेयर ड्रायर यूज़ करते हो, बट इट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर, बिकॉज ये बहुत ड्राई होता है और ये हीट करता है, इस वजह से आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। तो उससे पहले एक आसान तरीका है, पहले ऑयल यूज़ किए उसके बाद हेयर ड्रायर यूज़ करिए, क्योंकि ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देता है हेयर। ये आसान तरीका आपको बताना ज़रूरी था। कड़क धूप, 3 दिन से लगातार बारिश होता है, यही रीज़न था कि मैं ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं डाल पा रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अब मौसम साफ है, आई होप कि आज शाम को बारिश ना हो, क्योंकि दिन को तो धूप कर रहा है, रात को बारिश हो जा रहा है। ओके गाइस, एक गुड न्यूज़ है, मैं सुबह से एक काम में भिड़ा था, वो इयरिंग लाइट बनाने का, जो पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे थे खराब था, तो मैंने सोचा कि ये चार्जर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं बहुत सारे चार्जर को लिया, काटा और कनेक्शन करके जोड़ के देखा, तब जाके मुझे पता चला कि एक जो चार्जर है नोकिया का पुराना वाला, जिसमें ये जल रहा है, मतलब कि डायरेक्ट जल रहा है, उसमें 3 कलर का ऑप्शन रहता है, इसमें डायरेक्ट मिक्स वाला जल रहा है, बट जल रहा है, एटलीस्ट वही काफी मेरे लिए। तो ये रिंग लाइट है और ये जो पुराना नोकिया का चार्जर था, यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, देख सकते हैं गाइस ये डायरेक्ट जल रहा है। पावर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है बट वो काम नहीं कर रहा है, लाइट चेंज नहीं हो रहा है, कलर इसका वोल्टेज कम बेसी कुछ नहीं रहा है, बट ये डायरेक्ट जल रहा है सीधा। तो जो नहीं जल रहा था उससे सही ये जल रहा है, ये काफी है मेरे लिए। वैसे भी मैं ये मिक्स कलर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, व्हाइट और येलो उतना यूज़ नहीं करता, तो मुझे इसको चिपकाना पड़ेगा। मैं ग्लू ऑलरेडी लगा चुका हूँ, बट इसको थोड़ा गैप हो जा रहा है, इसको ऊपर थोड़ा सा व्हाइट रख देते हैं ताकि अच्छा चिपक जाए, तो एक दिन रखूँगा। डायरेक्ट प्लग निकालने के बाद ऑफ हो जाएगा, तो पहले मैं ये इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि सुबह में कुछ व्हाइट रख पाऊँ। बाहर से एक ईंट लेके आ गया हूँ और एक यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ दुर्गा पूजा का तैयारी शुरू, ऊपर सीलिंग पे लाइट वाइट सब लग गया है, टेंट लग रहा है, पंडाल भी बन रहा है।